सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आपने भाई पूरे स्वैग के साथ इंडियन टीम का स्वागत किया है, हमारा भी करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें और हमें भी खुश कर दें। आज की वीडियो लेकर आए हैं भाई, हम देखने वाले हैं मुंबई वालों ने ना अम्मी ऐसी जमा की है, ऐसी भीड़ जमा की है कि 30 लाख लोग अम्मी 30 लाख लोग सड़कों पर निकल के उनका मुंबई में जगह नहीं रही, इतना कुछ ज्यादा भीड़ हो गई थी। वो मरीन ड्राइव आपको पता ना, वो जो मुंबई में है समंदर के पास जहाँ पे लोग जाते हैं, वहां पे वो भाई शो हुआ है, रोड शो। और भाई क्या ही नजारे थे उस रोड शो के, वो हम देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिए, हम भी देखें, हमारी वीडियो को जैसा है शेयर कीजिए और देखते हैं आज के। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, एयर इंडिया की विमान सेवा AI-4CC दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है। बाहर हवा में नमी नहीं खुशी है। आप सभी अपने कानों में रुई डाल लीजिए क्योंकि बाहर जनता की आवाज आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। शायद यही अनाउंसमेंट हुई होगी जब कल टीम इंडिया का विमान दिल्ली उतरा होगा। हेलो, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, इंडिया वापस आ चुकी है। हमारी टीम का क्या भयंकर स्वागत। 17 साल पहले भी जब हम वर्ल्ड कप जीते होंगे तब भी शायद यही सेलिब्रेशन रहा होगा, लेकिन तब तो हम नादान बालक थे इसलिए याद कुछ नहीं है। लेकिन अब कल जो सेलिब्रेशन हुआ है उसकी एक एक झलकी, एक एक बात आपको इस वीडियो में पता चलेगी। मजा ना आए तो पैसे वापस वाला वीडियो है, व्हाट्सएप पर फैला दो, सोशल मीडिया पर लिंक लगा दो, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि चैंपियंस का स्वागत आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों शुरुआत हुई सुबह 6 बजे के करीब। अगर आप दिल्ली में नहीं है तो आपको बता दूं कि दिल्ली में एकदम मस्त चाय पकौड़ी वाला मौसम है, मीठी मीठी ठंड हो जाती है सुबह। ऐसे मौसम में दिल्ली वाले सुबह 10 बजे तक चादर तान के सोते हैं और मजा ले कि कोई माई का लाल उनको बिस्तर से निकाल दे। लेकिन कल सुबह 5 बजे से ही एयरपोर्ट पर भीड़ जम चुकी थी, लोग वेट कर रहे थे कि कब फ्लाइट लैंड होगी। सब पायलट को ये कहना चाह रहे थे कि भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन जल्दी लैंड करा दे। फ्लाइट AI-24WC यानी एयर इंडिया 2024 वर्ल्ड कप सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली लैंड करी और रोहित शर्मा की टीम फैंस के नारों के बीच बस में सवार होकर दिल्ली के साथ हुआ। हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने जमकर डांस किया, लेकिन महफिल लूट ली रोहित शर्मा जब उन्होंने उतरकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हवा में, वो मेडल का टुकड़ा जिसको जीतने के लिए 2007 से हम परेशान थे, भारतीय धरती पर 2024 में उसी की पहली झलक हमने देखी। इसके बाद होटल में केक कटिंग सेरेमनी हुई और खिलाड़ी अपने अपने रूम में पहुंच गए। इसके बाद टीम होटल से तैयार होकर बस में बैठी, लेकिन बस चली नहीं क्योंकि कुलदीप यादव ने आने में थोड़ी देर लगाई थी। जब आए तो उनके बालों को देखकर लगा था कि भैया नहा धोकर पहुंचे। उनके बस में बैठते ही बस चल दी और पहुंची मोदी जी के घर, जिसका एड्रेस है 7 लोक कल्याण मार्ग 7 थलावाड़ी। यहाँ मोदी जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, कैमरा वाला एकदम तैयार था जिसने मोदी जी के साथ पहले ग्रुप पिक्चर निकाली, उसके बाद सबकी सोलो पिक्चर भी निकाली। यहाँ से खा पी कर टीम निकल गई सीधे एयरपोर्ट के लिए, जहाँ पर उनके लिए इंतजार कर रही थी फ्लाइट UK-1845। इस फ्लाइट नंबर पर भी गौर कीजिए, फ्लाइट नंबर के साथ कोहली और रोहित को ट्रिब्यूट दिया गया, फिर वेलकम किया गया, उसे वाटर का ट्रिब्यूट दिया गया। अभी और सुनिए, मुंबई में दोपहर के टाइम भी मुंबई पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको खुला वातावरण पसंद है तो मरीन ड्राइव की तरफ ड्राइव करके मत जाइए। लेकिन जब यहाँ पर ओपन बस से सवार होकर टीम इंडिया आई तो यकीन मानिए दोस्तों, कई लोगों के तो आंसू कम पड़ गए। खचाखच भरी मरीन ड्राइव पर जब ये बस निकली और उसके ऊपर हमारे चैंपियन खिलाड़ी दिखे तो ऐसा लगा कि जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई। ऐसी ऐसी होलसम फोटोज थी कि क्या बताऊं, दिल बाहर निकल कर ये बोलने वाला था कि भाई अब कितनी खुशी देगा। कलेजा कह रहा था कि इतनी ठंडक तो आज तक कभी मिली ही नहीं। मेरे हिसाब से तो एक साथ एक जगह पर इतने खुश रिकॉर्ड बन गया होगा। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बस के आगे आकर वो ट्रॉफी हाथ में उठाई, माहौल बन गया ये तो। भाई टाइटैनिक के सामने जैक और रोज का पोज भी फेल हो गया, फिर रोहित शर्मा ने शाहरुख खान वाला पोज भी कर दिया और जनता उतनी ही पागल हुई जितनी मन्नत के बाहर होती है। कुल मिलाकर एक बात क्लियर हो गई दोस्तों कि इस देश का सबसे बड़ा धर्म क्रिकेट है। बेहतरीन बस राइड के बाद टीम वानखेड़े पहुंची और यहाँ पर भी होलसम मोमेंट्स की कोई कमी नहीं थी। 2 महीने पहले तक हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहा वानखेड़े का क्राउड हार्दिक हार्दिक के नारे लगा रहा था, और वानखेड़े में ट्रॉफी के साथ एंट्री मुंबई के कप्तान हार्दिक ने ही करी। विराट कोहली को जब बॉलिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए तालियां बजवा दी। रोहित शर्मा के साथ गले मिलने वाले मोमेंट को अपना सबसे स्पेशल मोमेंट बता दिया। रोहित शर्मा को तो वानखेड़े की जनता ने पहले ही बोलने नहीं दिया, लेकिन जब रोहित बोले तो उन्होंने दिल जीत लिया। कोहली ने बुमराह के लिए ताली बजवाई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के लिए तालियां बजवा दी और कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या तारीफ के काबिल है। और दिन का सबसे बढ़िया पार्ट आया तब जब टीम इंडिया वानखेड़े में विक्ट्री लैप ले रही थी और कोहली रोहित एक साथ डांस करने लगे।
भाई कसम से अगर मुझे कल सुपर पावर मिलती और मुझसे कोई पूछता कि दुनिया में तुम्हें कहाँ होना है तो मैं लंदन पेरिस न्यूयॉर्क नहीं बल्कि मुंबई का वानखेड़े मैदान चुनता। फिजिकली मैं वहां भले ना जा पाया हूं लेकिन मेंटली मैं और मेरा दिमाग अब शायद हमेशा वानखेड़े में ही रहेगा। इतनी खुशी के पल एक ही दिन में मेरी जिंदगी में शायद ही कभी आए। ये पल लाने के लिए टीम इंडिया का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। आपका भी दिल अगर खुशी से गार्डन गार्डन हो चुका है तो उस गार्डन के फ्लावर से कमेंट बॉक्स भर डालिए और बताइए कि आप कितने खुश हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ सारे कमेंट पढ़ूंगा और बढ़िया वाले कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। चैनल याद से सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। कल जी तो गाइस यार क्या मैं यार वेलकम किया मुंबई वालों ने, अपनी दिल जीत लिया सच में। वेलकम हो तो ऐसा हो वरना ना ही हो, इतना लोगों ने हमें प्यार दिया और लोगों में सुबह से आगे वहां पर खड़े हो गए तो उनको पता था हमें जगह मिलनी बाद में। अगर हम अब आना गए तो फिर हमें जगह नहीं मिलनी। तो आपने भीड़ देखी? हाँ बहुत, इतनी बहुत। भीड़ का भी देखी है? हाँ, जगह नहीं है वो खुशी है इतने ज्यादा थे लोग। और लोग तो भाई सुबह 5 या 3 बजे मुझे लगता है सारी रात ही शायद सोए नहीं होंगे, एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे होंगे टीम इंडिया कब आए और हम कब जाके उनका वेलकम करें। वहां पे वेलकम हुआ, फिर होटल में गए, वहां पे केक कट किया, उसके बाद फिर फिर मोदी जी के पास गए, वहां पे जाके उन्होंने भाई हाँ मतलब सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर वहां से भाई निकल गए मुंबई के लिए, फिर जहाज में बैठ के भी फुहानों के साथ वो वेलकम किया गया है। क्या बात है यार, क्या बात है, ऐसा वेलकम हो तो मजा बंदे का दिल खुशी से झूम उठता है। और हम खिलाड़ियों के मुंह पे खुशी देख भी सकते हैं कि वो कितने ज्यादा बहुत खुश है। सच में हम खुद बहुत ज्यादा खुश है मुंबई वाले तो इतनी भीड़। हाँ मतलब हमारे यहाँ पे ना कोई 10-20 हजार लोग आ जाए ना जब किसी का मतलब कोई जलसा किसी वो पॉलिटिशियन की पार्टी का हो रहा था, लोग तो बहुत ज्यादा तादाद आ गई हो गया। और ये 30 लाख लोग यार, 30 लाख लोग कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ही बड़ा नंबर है। और इतने लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो वहां पे क्या माहौल होता होगा। हमें और भाई सब ने मिलकर, और उसके बाद हम स्टेडियम में भी गए हैं, वहां पे जाके उन्होंने अपना तराना पढ़ाया, फिर वहां पे लोग भी आए हुए थे, वहां पे भी सेलिब्रेशन किया गया। मतलब कि पूरा दिन सेलिब्रेट होता रहा है, सुबह से लेकर शाम तक रात तक जो है ना उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो इतनी खुशी इंडियंस को मिली है ना कि शायद ही मतलब इतना मतलब उनको खुशी कभी पहले मिली हो जितनी कि उनको इस दफा इस वर्ल्ड कप को जीतने में मिली है। सच में हर बंदे ने बहुत बड़ा योगदान दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी जो T20 वर्ल्ड कप था ये एक मतलब दुख है हमें, लेकिन एक अच्छी याद के साथ उन्होंने अपना सफर को एंड किया है। तो ये एक हमेशा मतलब जो फैंस है ना उनके दिमागों में ये चीज बैठ जाएगी कि भाई होता था कोई विराट, होता था वही कोई रोहित शर्मा जिन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवाई थी। विराट कोहली को तो इतने बड़े फैंस है ना लोग कि मैं आपको क्या बताऊं, उनके नाम के टैटू बनवा ली हैं उनको, क्या क्या उन्होंने लोगों ने, इतने बड़े फैंस है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और वो भी अपने फैंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी हमें मैटर करता है ना। आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तो दोनों पसंद है, विराट कोहली। दोनों भाई वैसे, और अगर पूरी इंडियन टीम की बात की जाए तो पूरी इंडियन टीम ही बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की है। तो वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो।